हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर सेकंड होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीपीआई। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने पीपीआई स्टार्ट किया था, दो समय हमने किए। इसमें होता क्या है, एक कंपनी का प्रॉफिट दिया जाता है, कितना खर्चा कितना प्रॉफिट सब दिया जाएगा, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, मतलब कितना इनकम कितना एक्सपेंस दिया जाएगा। अपने को सिर्फ उसका बंटवारा करना है, और बंटवारा करने के लिए क्यों कर रहे हैं, तो हमारा पहला जो बिजनेस था वो एक पार्टनरशिप फर्म था, पार्टनरशिप बिजनेस था। अब वो उसी साल में वो कन्वर्ट हो गया एक लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी में, मतलब एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो गया। जब वो एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटीज या प्राइवेट कंपनी या इनकॉर्पोरेट हो गया, तो अब जो प्रॉफिट होगा वो अलग हिसाब से बटेगा। पहले प्रॉफिट पार्टनर में बटता था, अब प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बटेगा। पहले लोन होता था, अब डिबेंचर्स होगा। मतलब जब कंपनी एक नॉर्मल बिजनेस से इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में आती है तो बहुत सारी चीजें बदलती है। तो अपने को यही देखना है कि जो एक्सपेंसेस है वो कौन से रेशियो में बांटना है। नॉर्मली दो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है टाइम और एक है सेल्स। बाकी चीजें जैसे जैसे आएगा वैसे करेंगे, आज का सम इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। आपके टेक्स्ट बुक में, मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सचिन लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ तेंदुलकर ब्रदर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल से इसका बिजनेस चल रहा था, तो सचिन उसका बिजनेस लेने के लिए खरीदने के लिए आया है। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त। उसने 1 अप्रैल से बिजनेस ले लिया, किसका, सचिन का। किसने ले लिया, तेंदुलकर ने, बोला भाई तुम्हारा बिजनेस है मैं चला रहा हूँ। तो अप्रैल से बिजनेस चल रहा था। फिर उसने उस कंपनी को रजिस्टर कर दिया, इनकॉर्पोरेट किया। कभी इनकॉर्पोरेट किया, 1 अगस्त को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 अगस्त को, मतलब 4 महीना बिना इनकॉर्पोरेशन के चला, मतलब वो नॉर्मल बिजनेस चला, और फिर उसके बाद से वो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस हो गया। समझ में आया। एंड इट कमेंस इट बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 2016, और बिजनेस कभी चालू हुआ है, 1 अक्टूबर 2016 को। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 अक्टूबर 2016 को बिजनेस कमेंस हुआ है। ये कमेंस वर्ड याद रखना, बाद में काम आएगा, क्यों किस लिए बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। आगे, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल फॉर द ईयर। आप देख सकते हो उसका प्रॉफिट दिया है, क्या क्या खर्चा है वो दिया है, और कितना प्रॉफिट कमाया है वो दिया है। अपने को सिर्फ इसका ही बंटवारा करना है, ग्रॉस प्रॉफिट का, प्री में पोस्ट में। प्री मतलब पहले कितना आएगा बाद में कितना आएगा, एक्सपेंसेस पहले कितना आएगा बाद, यही करना है आपको। ठीक है, पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, पर्टिकुलर टोटल बेसिस प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट, जैसा वैसे पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं। दो पार्ट होता है, एक होता है इनकम और एक होता है एक्सपेंस। इनकम में क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 3.5 लाख। फिर एक्सपेंसेस में है, पहला ऑफिस सैलरी कितना है, 1,35,000। फिर है ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 24,600, ऑफिस रेंट 48,000, सेल्समैन कमीशन 24,000, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन 10,500, एंड नेट प्रॉफिट कितना आया 64,000। कैसे आया नेट प्रॉफिट, इनकम में से सब एक्सपेंस माइनस किया, इतना तो सब सब में कर ही सकते हो। हाँ, उसके अलावा दो रेशियो फाइंड करना है। पहला है टाइम रेशियो। टाइम रेशियो में अप्रैल से लेके मार्च तक का कैलेंडर बना दिया। इनकॉर्प कभी हुआ, 1 अगस्त को, तो भाई 1 अगस्त से एक लाइन खींच लो। यहाँ पे जो भी खर्चा होगा सब प्री में होगा, और यहाँ पे जो भी खर्चा आएगा सब पोस्ट में। मतलब अपने को डिवाइड करके देखना है कौन सा प्री में कौन सा पोस्ट में। तो टाइम रेशियो पहले निकालूंगा, 1, 2, 3, 4, 4 महीना टाइम प्री में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीना पोस्ट में। तो हमारा रेशियो क्या है, 4:8, और छोटा हो सकता है, 4 1s 4 2s। तो रेशियो क्या आ जाएगा, मतलब मेरा टाइम रेशियो 1:2, समझ में आ गया, क्लियर। दूसरा रेशियो फाइंड करना है सेल्स का। अब सेल्स के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन तो दिया रहेगा, बुलाए सेल्स वेयर 2,50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड,
व्हाइल द टोटल सेल्स फॉर द ईयर वॉज 35 लाख। क्वेश्चन में बोला है कि आपका सेल्स कितना था, 2.5 लाख रुपया पर मंथ, कभी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब यहाँ पे, मतलब अप्रैल में 2.5 लाख, मई में 2.5 लाख, जून में 2.5 लाख, जुलाई में 2.5 लाख। लेकिन उसने बोला ये तो प्री में था, जबकि पूरा सेल्स, पूरे साल भर का सेल्स कितना है, 35। साल भर मतलब प्री और पोस्ट मिला के 35 है, जिसमें से प्री में कितना सेल्स हुआ है, 10 लाख। अगर प्री में 10 लाख का सेल्स है तो पोस्ट में कितना आएगा, 35 लाख माइनस 10 लाख, 25 लाख। इन शॉर्ट 10 लाख प्री में है और 25 लाख पोस्ट में। ये रेशियो थोड़ी है, अपने को तो रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो में देखो, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 है, कट कर देता हूँ, क्या बच गया, 10 और 25, सब 5 के टेबल में जाएगा। 5 2 10, 5 5 और कैंसिल होगा क्या, नहीं, तो रेशियो क्या आ गया, 2:5। समझा, वर्किंग क्लियर। ये दो रेशियो इंपॉर्टेंट है हर सम में। पहला एडजस्टमेंट क्लियर हो गया, अब एडजस्टमेंट नंबर 2 देखते क्या दिया। एडजस्टमेंट नंबर 2 दिया है, रेंट, ऑफिस रेंट वॉज 42,000 पर एनम। पूरे साल का बिजनेस का रेंट 42,000 था, इट बिकेम टू 54,000। पहले रेंट 42,000, पहले मतलब प्री में, प्री में रेंट कितना था अपना, 42,000 पर एनम था, पर एनम मतलब साल भर का था। अब उसने बोला इट बिकेम टू 54,000 पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कमेंसमेंट कब हुआ है, अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर से रेंट कितना होने वाला है, 54,000 पर एनम। अब वो पर एनम क्या है, कैसे आएगा, बाद में बताऊंगा, बट इतना समझ में आया क्या था, वो कहना चाह रहा है साल भर का रेंट, साल भर का रेंट। तो अगर पूरे साल का रेंट 42,000 है तो एक महीने का कितना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 42,000 डिवाइडेड बाय 12, समझ में आया, मतलब मेरा महीने का रेंट कितना है, महीने का रेंट मतलब अप्रैल का रेंट 3,500, मई का रेंट 3,500, जून का रेंट 3,500, जुलाई का रेंट 3,500, अगस्त का रेंट 3,500, सितंबर का रेंट 3,500, बस यहां तक ही चलेगा वो। क्यों, क्योंकि उसने बोला जैसे ही बिजनेस कमेंस हुआ रेंट बदल गया, रेंट कितना हुआ पर एनम, तो ये भी साल भर का है, तो डिवाइड बाय 12 करो, पर मंथ कितना, 4,500। तो अब यहां पे रेंट आएगा 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500, बराबर। तो प्री में रेंट कितना आएगा, 3,500 3,500 7 3,500 3,500, 14,000। पोस्ट में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 4.5 × 6 करो कितना आ रहा है, 9,000 9,000 18 27, और यहाँ पे 7 है ना, 27 और 7 34,000 आएगा, बराबर। अरे हाँ, मतलब हमारा रेंट कितना है, 14,000 प्लस 34 कितना हुआ, 48,000, समझा। ये मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन समझा, 101% समझा है, क्या वापस एक बार करना पड़ेगा, वापस करूं। पूरे साल का रेंट था 42, तो पर मंथ का निकाला 3,500, मैं लिख रहा था 3,500 सब में लिखने वाला था, लेकिन उसने बोला नहीं रुको, 54,000 रुपीज कमेंसमेंट से चालू हो जाएगा, तो कमेंसमेंट का डेट दिया था अक्टूबर, समझ में आ गया। तो मैंने सीधा हिसाब लगा दिया, कमेंसमेंट मतलब अक्टूबर से रेंट बदल जाएगा, कितना आएगा, 4,500 रुपए हो जाएंगे, बट उसके पहले रेंट कितना था, अब टोटल किया, इसका टोटल 14,000, 3,500 प्लस 3,500, सबको प्लस ही करने का, तो प्लस किया तो इसका रेंट कितना आया, 34, और इधर रेंट कितना आया, 14, तो पूरे साल का रेंट कितना हुआ, 14। देखो जरा क्वेश्चन में ऑफिस रेंट कितना दिया है, तो इसका बंटवारा हो गया, प्री में कितना आएगा, पोस्ट में कितना आएगा, वर्किंग समझा। चलिए अब मैंने इधर कैसे किया, देख रेंट टोटल कितना है, 48,000। प्री में रेंट कितना बोला था उसने, 42,000 पर एनम,
डिवाइड बाय 12 किया 3,500 आया, तो रेंट 3,500 कितना आएगा 14,000। अब प्री में 14 है, टोटल रेंट 48 है, तो मैंने डायरेक्ट हिसाब मार दिया 48 माइनस 14 34,000, और एल्स 3,500 जो वर्किंग बताया वो भी राइट है, ये भी राइट है, ये सोपा कर दिया है, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल था, जैसा बोला था वो इंफॉर्मेशन से अपने रेंट सॉल्व किया, दोनों वर्किंग राइट है, क्लियर हुआ। तो अब प्री और पोस्ट का वर्किंग समझ में आ जाता हूँ भाई। ऑफिस रेंट वर्किंग नोट नंबर 3 में 14,034। डन, एनी डाउट? एडजस्टमेंट खत्म। थर्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹3,600 इनकर्ड बाय ऑफिस स्टाफ एंड द बैलेंस बाय सेल्स स्टाफ। मतलब ट्रैवलिंग का खर्चा दो पार्ट में, 3,600 किसका है? ऑफिस का है, और बाकी किसका है? सेल्स का है। हाँ या नहीं? तो भाई ट्रैवलिंग का खर्चा देखना पड़ेगा, है कितना है? 24,600। इसमें से 3,600 किसका है? ऑफिस का है। जो ऑफिस का ट्रैवलिंग का खर्चा होगा वो ऑफिस का रेशियो, मतलब कौन से रेशियो में जाएगा? टीआर, मतलब टाइम रेशियो, और टाइम रेशियो क्या है? 1:2। तो 3,600 को 1:2 में डिवाइड करेंगे, वन पार्ट आएगा प्री में और टू पार्ट किधर आएगा? पोस्ट में। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,600 × 1/3 कितना आ रहा है, और 3,600 × 2/3 कितना आ रहा है? 1200 का डबल 2400। अरे बराबर, 24,600 में से 3,600 ऑफिस का है, तो बैलेंस कितना बचा? 21,000। ये सेल्स का है तो कौन से रेशियो में बटेगा? सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो क्या है? 2/5। तो 21,000 × 2/7 कैसे आया? 2+5 = 7 होता है, तो 2/7 ये आएगा 6,000। 21,000 5/7 करोगे कितना आएगा? 15। समझाइए। तो अब प्री का टोटल कितना हुआ ट्रैवलिंग का? 7,200, और इसका कितना हो गया? 17,400। दोनों को मिला के 24,600 हो जाएगा। अरे समझा? चलिए वर्किंग पे आ जाता हूँ। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4, प्री में 7,200 और इसमें 17,400। वर्किंग समझ में आ रहा है? एक एक एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व हो रहा है समझा? ये वर्किंग मैंने बना दिया ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए खाली। तीसरे पे जाते हैं। डेप्रिसिएशन इंक्लूड 3,000 फॉर द असेट एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। वो कह रहा है कि जो भी तुम्हारा डेप्रिसिएशन का खर्चा है उसमें 3,000 का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इंक्लूड 3,000 फॉर द असेट एक्वायर्ड। वो असेट कभी खरीदा था पोस्ट में, तो उसका डेप्रिसिएशन भी पोस्ट में ही आएगा। तो क्या मेरा डेप्रिसिएशन 3,000 ही है क्या? चेक करता हूँ। नहीं सर, 10,500 है। तो 10,500 में से प्री का कितना है, सॉरी पोस्ट का कितना है? 3,000। डायरेक्टली डाल दो पोस्ट में 3,000। अगर 10,500 में से 3,000 तुम्हारा पोस्ट है तो बचा कितना? अब ये 7,500 किसका है पता है क्या? नहीं सर, प्री में। ऐसा थोड़ी बोला है कि वो प्री का है। तो अभी हम इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? मंथ, मतलब टाइम रेशियो, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो मंथली होता है। तो इसको टाइम रेशियो मतलब क्या आएगा? 1:2। तो 7,500 × 1/3, 3 कैसा है? 1+2 = 3 होता है, कितना आएगा? 2,500। 7,500 × 2/3 5,000 बराबर। तो प्री में टोटल डेप्रिसिएशन 2,500 और पोस्ट में टोटल डेप्रिसिएशन 8,000। 8,000 × 2,500 कितना हुआ? 10,500 हुआ ना, समझा? हाँ पक्का ना? चलिए वर्किंग नोट नंबर 5, डेप्रिसिएशन को 2,500 दे दिया और 8,000 दे दिया। डन है यहाँ तक? क्लियर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद सैलरी इंक्लूड पार्टनर का। जैसे ही पार्टनर का बड़ा है, याद रखिए पार्टनर तो प्री में रहता है, पोस्ट में इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं। तो पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी आएगा वो हमेशा किधर आएगा? प्री में। और इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड आएगा वो किधर आएगा? पोस्ट में। और कुछ नहीं बोला है तो या तो टाइम में या तो सेल्स में ही बटेगा। जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन कुछ नहीं बोला, कौन से रेशियो में जाता है? डेप्रिसिएशन मंथ के हिसाब से जाता है, इसलिए टाइम रेशियो में गया। क्लियर हुआ? चलिए तो अभी एडजस्टमेंट सैलरी के ऊपर है। क्या बोल रहा है? जो भी तुमने सैलरी का खर्चा किया है उसमें पार्टनर का सैलरी कितना है? 30,000, और रिमेनिंग किसका है? ऑफिस स्टाफ का। मतलब जैसे यहाँ पे ऑफिस स्टाफ का ट्रैवलिंग था, सेल्समैन का, वैसे इधर करना है। तो सैलरी है 1,35,000, कहाँ से? यहाँ से दिख रहा है। उसमें से पार्टनर का सैलरी कितना है? पार्टनर का सैलरी किधर आएगा? प्री में। 1,35,000 में से 30 चला गया, बचा कितना? वो किसका है? ऑफिस स्टाफ का है। तो ऑफिस स्टाफ का कितना आ जाएगा? 1,05,000।
स्टाफ का सैलरी तो मंथली होता है, कौन से रेशियो में बढ़ेगा, प्राइम रेशियो में, मतलब 1:2 में। तो 1,05,000 इंटू 1 / 3 करो कितना आ रहा है, 3 और 5 35,000, इसका डबल करोगे 70,000, समझ में आया। तो आप सैलरी का खर्चा इधर कितना आएगा 65, उधर कितना है 70। तो ऑफिस सैलरी वर्किंग नोट नंबर 6 65,070। सब एडजस्टमेंट खत्म हो गया, अब जो बच गया खर्चा उसको बांटना है। क्या क्या खर्चा बच गया है, ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो में, और सेल्स रेशियो अपने पास है, समझ में आया। तो यहाँ पे सेल्स रेशियो मतलब 2:5 में बटेगा, तो 3,35,000 सॉरी 3.5 लाख इंटू 2 / 5 करो 70, 140 शायद, नहीं 1 लाख शायद आएगा, 1 लाख, और दूसरे का 2.5 लाख आ जाएगा, 3.5 में से 1 गया तो 2.5 लाख ही आना है। फिर कौन सा बाकी है, ऑफिस एक्सपेंस, बताओ कौन से रेशियो में जाएगा, टाइम रेशियो में, टाइम मतलब 1:2 में डिवाइड कर दो 15,000 और फिर 30,000। फिर कौन सा रेशियो बच गया, सेल, कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो में, तो सेल्स रेशियो है क्या है आपका 2:5, डिवाइड करो 7,000 और 17,500। और कोई खर्चा बचा क्या, हो गया पीपीआई खत्म। अभी इनकम निकालना है, तो देखो ये आपका प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है और ये प्री इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंस है, 1 लाख में ये सब माइनस करो और 1 जन 2.5 लाख में ये सब माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है, 1 लाख माइनस ये सब करो, माइनस में ही आएगा क्योंकि 65,000 और 15,000 तो बड़ा अमाउंट इधर ही दिख रहा है, माइनस में आंसर आएगा कितना आ रहा है, जल्दी 1 जन पोस्ट का करना 1 जन प्री का करना, कितना, हाँ माइनस में आएगा, बोलते रहो माइनस में आएगा, 10,700 नेगेटिव आ रहा है, वेरी गुड। और पोस्ट में कितना आ रहा है, ये तो प्री हो गया ना बेटा, नेगेटिव में पोस्ट का कितना आ रहा है, 73,100 पॉजिटिव आ रहा है, समझा करण, क्लियर यहां तक। अब नामकरण करना पड़ेगा, यहां पे ध्यान दो, मैंने कहा था ये निकालने के बाद नामकरण होगा, जो आपका प्री का प्रॉफिट या लॉस होता है अगर पॉजिटिव आया तो कैपिटल रिजर्व, मतलब प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व, लॉस हुआ तो गुडविल, यहाँ पे लॉस हो रहा है अपन क्या लिखेंगे, गुडविल, 10,700 किधर जाएगा, गुडविल में, और जो पोस्ट का है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही रहेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस पोस्ट में 73,000। बात समझा, सम इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज उसके अंदर ये कैलकुलेशन पार्ट, अब कैलकुलेशन में आपको जो मैंने रेंट का बताया, आपको अगर 3.5, 3.5 फिर 4.5, 4.5 करने का तो भी चलेगा, इस तरीके से किया तो भी चलेगा, बात समझाइए। राइट तरीका वो जो 3.5, 3.5, 4.5 मैंने जो बताया वर्किंग में वही है, बट इधर प्रेजेंट नहीं किया मैंने, बट आपको जो मैंने इसके पहले बताया वही आपको वैसे ही सॉल्व करना, ठीक है। बाकी सारे एक्सपेंसेस आपके सामने, प्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है तो इधर भी हम लिख सकते थे ऑफिस स्टाफ सैलरी, सेल्स सैलरी, मेरे को जगह कम था इसलिए मैंने कंबाइन किया है, बट आप इधर भी कर सकते थे, वो जो चीज वहां किया है वो यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो, क्लियर है, पक्का। टॉपिक सिंपल है, ऑप्शन में रखने का ट्राई मत करना, 101% ये टॉपिक पूरा मार्क्स दे के जाता है, क्लियर है। आज इतना ही करते, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।